एक दौर वो था जब बदमाश बम बंदूकों के जोर पर घरों और दुकानों में घुस जाते थे और फिर चोरी, लूटपाट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन 21वीं सदी के इस हाईटेक वर्ल्ड में ठगी का यह ट्रेंड बदल चुका है। इसी की मिसाल है कि पिछले 2 महीनों में भारत में करीब 2 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक्स हो चुके हैं, यानी हर रोज़ करीब 7,000 लोगों को इस जाल में फंसाया जा रहा है। और इसीलिए क्राइम तक पर अब हर वीकेंड आपको एक नया शो देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा द साइबर ट्रैप। इसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे इन साइबर अटैक से बचा सकते हैं और उसके बाद आप कैसे महफूज रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। द साइबर ट्रैप के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड के जामताड़ा के साइबर ठगी के मॉडल के बारे में और वहां आ रहे बदलावों के बारे में। जिन दर्शकों को इसके बारे में नहीं पता, उनको बता दें कि जामताड़ा एक वर्ल्ड पॉपुलर साइबर ठगी का मॉडल है, जहां पर नेटफ्लिक्स ने एक पूरी वेब सीरीज भी बनाई है। आपको बता दें, जामताड़ा में महज 7वीं पास ठग जंगलों में पेड़ पर बैठकर बड़े शहरों के लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा देते थे। भले ही ये ठग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका सपना शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। बस इसी सपने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को चूना लगा लिया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, जिसके चलते वो हिरासत से बच गए। लेकिन अब जामताड़ा का ये शातिर गिरोह ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में एक्टिव होकर अपनी ब्रांचेस चला रहा है। यहाँ तक कि ये ठगी के क्रैश कोर्स भी ऑफर कर रहा है। इसी का खुलासा हाल में दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट में भी होता है। रिपोर्ट के अनुसार ठगी के इस सेंटर के नियमों पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको इस गिरोह के सदस्य से टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। फिर वो आपको पहले दिल्ली में मिलने बुलाएगा और फिर अलवर के पास भिवाड़ी में। वहां पहुंचने के बाद आपको भरतपुर से 60 किलोमीटर दूर सेंटर पर लाया जाएगा। अब वहां पहुंचने के बाद आपको एडमिशन क्राइटेरिया पूरा करना होगा, जिसके लिए भरतपुर के गांव में बने सेंटर में आपको आधे घंटे तक इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपकी एजुकेशन हिस्ट्री देखी जाएगी और अगर आपने 6-7 महीने किसी फर्जी कॉल सेंटर में काम किया है तो मानो आपका एडमिशन पक्का। लेकिन इन सब के लिए आपके पास खुद का लैपटॉप होना ज़रूरी है। एडमिशन के बाद शातिर ठगों ने सेंटर पर एक यूनिफॉर्म भी रखी है। यूनिफॉर्म के अनुसार स्टूडेंट को बिना बाजू और जेब की शर्ट और बिना जेब वाली हाफ पैंट पहनना अनिवार्य है। इस सेंटर पर ठगी के मास्टर और जामताड़ा के कुछ गेस्ट टीचर भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठगी का एक सिलेबस भी है जिसमें बताया जाता है कि किसी इंसान को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए कैसे फंसाना है। साथ ही इसमें बताया जाता है कि ठगी करते वक्त बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते समय किन जोखिमों से बचना है और इसके लिए यूजर्स का डाटा कहां और कैसे खरीदना है। वहीं सेंटर में ठगी की ट्रेनिंग देने वालों का मानना है कि गांव वाले किसी भी शख्स को फंसाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं। वहीं शहर के किसी शख्स को आराम से फंसाया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता है और उनको सारे क्राइटेरिया आराम से मालूम होते हैं। वहीं अगर डेटा पे ध्यान दिया जाए तो 10 में से एक गांव वाला फंसता है, वहीं शहर में 5 में से 3 शहर वाले फंस जाते हैं। बहरहाल, इन ठगों से बचने के लिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे OTP, ATM के नंबर और साथ ही किसी लिंक को एक्सेस करने से बचें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।